वो यहीं पे है, बट सोल वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास की फाइट चलते हुए मैंटी को नॉक किया गया। गोब्लिन सीधा गए व्हीकल से कुचला और वो जो फिनिश था अपने नाम करेंगे, बट संयम की बात करी जाए जस्टिन इसी के साथ डाउन होते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करेंगे हम यहाँ पे केमरी स्पोर्ट्स की, पीछे आपको वो भी टेकडाउन होते देखने वाले हैं और लीजिए चिकन रशर्स वो भी आगे आ चुके हैं, रॉबिन को टेकडाउन करने में सक्षम हो जाएंगे। सोल दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेनेड टॉस करने की कोशिश करेंगे, अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढती है ग्लोबल स्पोर्ट्स पूरे तरीके से बैकफुट पे धकेली जाएगी। द ग्रेनेड वॉज एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन वो कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि जोकर वो उस छोटे से शैक के अंदर वेट कर रहे हैं। स्वयं व्हीकल बर्स्ट करेंगे, केमरी स्पोर्ट्स के डेल्टा पीछे को टेकडाउन करेंगे। अब इस बार मोलोटॉव ने कनेक्शन ढूंढ लिया, गोब्लिन का वो मोलोटॉव किसी तरीके से कनेक्शन जरूर ढूंढेगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स में दिक्कत थोड़ी इसी बढ़ते दिखेंगे, अक्षत ने यहां पे स्ट्राइकर को डाउन किया जरूर है। क्या अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोल आगे पुश करेगी, एक नॉक जरूर निकाला उन्होंने, लेकिन ओपन से आते हैं हैदराबाद हाइड्रास को स्पॉट ऑलरेडी कर चुके हैं, दे आर ट्राइंग टू गो फॉर सम स्प्रेज ऑन देम, लेकिन जॉनथन वो यहां पे आर स्पोर्ट्स के हीरो को टेक डाउन करने में सक्षम हो जाएंगे। अक्षत को पता चल चुका है कि ऊपर प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, स्प्रेज देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जॉनथन यहां पे कैनरी को भी टेक डाउन कर देंगे, गोब्लिन ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर, पूरी तरीके से नजर बना के बैठे यहां पे सोल, और अब यहां पर एक का एक लगातार पिकअप्स आते आपको दिखा, लेकिन नीचे गोब्लिन के ऊपर भी कुछ डैमेज दिया जाएगा। गोब्लिन बनने का कंफर्मेशन काल में सक्षम जरूर होंगे, लेकिन एनकोर यहां पर अक्षय 5K को भी डाउन करेंगे, सोनिक फॉक्स एनकोर को भी डाउन कर देंगे और एक के बाद एक लगातार पिकअप्स आते दिखेंगे। अब जिस तरीके से सोल की स्क्वाड को आप देखें सरदार जी, हर डायरेक्शन में वो फाइट ले रहे हैं, वहां पे हैदराबाद हाइड्रास को परेशान करके रखा हुआ है, यहां पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। रिवेंज जिनके दो मैच बहुत ज्यादा बेहतरीन गए थे, चलिए तीसरा मैच में उतना कुछ खास वो कर नहीं पाए। एजे लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम से, मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट किया जाएंगे। गोब्लिन क्या उन्होंने देखा? जी नहीं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं, बट फाइनली देखा गया सोल के प्लेयर के द्वारा। ओमेगा डाउन करेंगे एजे को, इसी के साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इस मैच में 14वें स्थान पे बाहर। चार फिनिशर्स निकाले जरूर, बट गोब्लिन ग्रेनेडियर के लिस्ट में आपको आते हुए दिखाई देंगे। चिकन ड्रॉज मैक्सी एक और ग्रेनेड और उसी के साथ वापस से ओमेगा को डाउन किया जाएगा। स्टार उनका यह तीसरा नॉक होने वाला है, इस ब्लैक सामने मौजूद रहेंगे। फिर से सुना गया गोब्लिन के द्वारा परफेक्ट ग्रेनेड था, सही टॉप शॉट दोनों प्लेयर के द्वारा एक साथ आया, बट गोब्लिन थोड़ा सा ज्यादा तेज इस ब्लैक डाउन। मैक्सी लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं हाइड्रास से। अभी भी अगर आप देखिए तो अक्षत वो ग्रेनेड लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, कंफर्मेशन आपको यहां पर आती दिख जाएगी, प्लेयर्स का फिनिश आपको होता दिखेगा। गोब्लिन वाज द वन जो कि माइक्रो उसी से कनेक्शन ढूंढेंगे, इनसेन के मैं गिरकर नॉकआउट हो जाएंगे, अभी इस चीज का फायदा उठाएंगे, कंफर्मेशन जरूर निकालेंगे। हेक्टर वो टेकडाउन हो चुके हैं, 7 टीमें बची हैं, 17 खिलाड़ी बचे हैं, 8 फिनिशर्स ऑलरेडी सोल के पास आ चुके थे, हैविंग अ गुड एरिया, लेकिन अब यहां पर घेरा आ चुके हैं दो अलग अलग एरिया से। अगर रेवेनेंट ऊपर क्लाइम करते हैं तो भी दिक्कत, इनसेन क्लाइम करते हैं तब भी दिक्कत, सोल अब मुसीबतों में फंसी दिख रही है क्योंकि अक्षत एक अलग एरिया में बहुत कम अच्छी साथ, लेकिन ओपोनेंट्स वो लगातार कम होता जा रहे थे। हैविंग द नंबर्स दे जस्ट नीड टू यूज द नंबर, अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं पूरा बेनिफिट लेके जाएंगे। गोब्लिन को इस चीज की नहीं थी यहां पे, और लीजिए जैसा बोला भनक नहीं थी, दुर्घटना घट चुकी है ऑलरेडी इनके साथ, और अब यहां पे टॉप डॉग ड्रॉप शॉट के साथ एक और प्लेयर को डाउन करने में सक्षम हो जाएंगे। ग्रेनेड जा रही है, बट टॉप डॉग बचते आगे बढ़ेंगे यहां पे, लेकिन फाइनली अक्षत की तरफ से वो बेहतरीन स्पेस आएंगी, बचा नहीं पाएंगे अपने प्लेयर को, लेकिन एटलीस्ट खुद को सर्कल के अंदर जरूर ले आएंगे। गोब्लिन 5 फिनिशर्स के साथ वहां पे एलिमिनेट हुए, प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट होना पड़ेगा, उनको बचाया नहीं जा सका। जैजी वो भी खत्म हो चुके हैं अक्षर के द्वारा, एंगल बहुत ज्यादा बढ़िया, बट हेक्टर उनके पास इस वक्त हीलिंग नहीं, बट बबलू जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम थी, ऊपर से शॉट आया बबलू डाउन, हेक्टर एचपी कम, हील की जरूरत पड़ेगी। एडी क्या वो यहां पे खुद को बचा पाएंगे? आई डोंट थिंक इतना इजी होने वाला है, क्योंकि अभी के लिए यहां पे ग्रेनेड आ दिख सकते हैं, बट फॉर नाउ अभी इस पर इंस्टेंट पे स्मोक सी आती दिख रही है ओमेगा के ऊपर भी, ओमेगा को टेक डाउन किया जाएगा यहां पे। लेब्रॉन वो आपको आगे बढ़ता दिखाने बचाने के अपने प्लेयर्स को, ही इज द ओनली सेव फॉर द टीम, आखिरी उम्मीद है यहां पर अपनी टीम की, क्या उनको अक्षत स्पॉट कर पाएंगे, बिकॉज ही इज हैविंग द हाइट एडवांटेज एरिया, बट हेक्टर वो आगे बढ़ेंगे यहां पे, माइट भी ओमेगा को रिवाइव देने के लिए, क्योंकि एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। सो नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर दो ही प्लेयर्स बचे सोल के पास, हेक्टर एंड अक्षत स्पॉट करेंगे एंड टेक डाउन कर देंगे उस आखिरी बचे प्लेयर को भी जो कि आपको यहां पे सेंटर में रिवॉल्व दिखा था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पर प्लेयर्स कम हो चुके हैं, बट रिवाइवल रेकनिंग को मिल चुका है। नाउ इट इज गोना बी अ 2v2v1, क्योंकि पीछे एनिग्मा का एक प्लेयर अभी भी सरवाइव कर रहा है। बड़ा आप देखें अभी कितना ज्यादा टाइम से वो सरवाइव कर रहे हैं, सोल के प्लेयर दोनों एक पत्थर के पीछे फंस जा चुके हैं। बबलू उनके पास पूरा एंगल है, क्या ग्रेनेड है? उनके पास ग्रेनेड नहीं है, होता तो अब तक इस्तेमाल करते। अक्षर सामने मौजूद है, हेक्टर उनके पास पहले से हमने हीलिंग नहीं देखी, बबलू थोड़ा गलत टाइम जरूर अक्षर डाउन कर देंगे, हेक्टर उन्होंने यहां पर डाउन किया गया। लेब्रॉन सामने मौजूद है, बड़ा अभी वहां से पूरा खेल देख रहे हैं, वो बिना बिना चिकन डिनर के हकदार हो सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। लेब्रॉन को डाउन किया गया हेक्टर के द्वारा, अभी अकेले अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। 1v2 का सिचुएशन अभी इस वक्त सर्कल के बाहर है, पूरा मौका उनके पास, विनर विनर चिकन डिनर वो निकाल जरूर सकते हैं सरदार जी, बट आप देखें शायद वो विनर विनर चिकन डिनर निकाल सकते हैं। डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा
दिया एक मोली ठिकाने पे जी नहीं, बट ये ग्रेनेड ठिकाने पे और शायद सोल की स्क्वाड एलिमिनेट हो जरूर सकती है। ठिकाने पे गिरा वो ग्रेनेड, 1v2 का सिचुएशन। हेक्टर सामने, अक्षत को डाउन किया गया, एक अकेले प्लेयर बचे हुए, हेक्टर डाउन करेंगे सोल। कल चिकन डिनर पे खत्म किया था, शुरू भी चिकन डिनर के साथ वो करेंगे।